ये कहा जा रहा है कि आप पूजा करने के पहले आप परमिशन लेकर के आइए। मैं आर्कोलॉजी से और आप सब लोगों से मैं इतने जानना चाहता हूँ कि आप अपने किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो क्या आप परमिशन लेकर के जाते हैं? क्या आप वहाँ के SHO को बताते हैं, वहाँ के DM को बताते हैं, वहाँ के SDM को बताते हैं, वहाँ के SSP को बताते हैं? अगर ऐसा कोई आप सभी लोग करते हैं तो मैं लिखित तौर पर यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है, यहाँ का जो प्रशासन है, मैं पूजा की अनुमति मांगता हूँ। और अगर बिना लिखित आदेश के, बिना कोई एप्लीकेशन दिए आप सभी लोग अपने अपने धर्मस्थलों पर पूजा करने जाते हैं, उसके दर्शनार्थ जाते हैं, तो कृपया हम लोगों को भी, हम बौद्धों को भी ये अधिकार प्राप्त हो कि हम अपने धर्मस्थलों पर बिना रोक टोक के जाकर के ध्यान कर सके, हम जाकर के पूजा पाठ कर सके। धन्यवाद। इसमें लिखा हुआ है सर, मतलब किसी प्रकार से उसको प्रदर्शित ना करें, इसमें इसमें लिखा हुआ है। अगरबत्ती बोलिए, अगरबत्ती मोमबत्ती तस्वीर लेकर जा रहे थे, मैट ले जा रहे थे। अगरबत्ती मोमबत्ती बस इतने हमको उत्तर दे दिया। पांच महीने से हर व्यक्ति जानता है जी, वो कह रहे मतलब मेरा तात्पर्य है कि कोई भी चीज अगर आप करते हैं पुलिस को पता चलेगा। ऐसा क्यों साहब, अगर हम पहले से हमको पता है कि हमको यहाँ रोका जाता है तब हमको सूचना देते नहीं। वो उनका क्या है, मैं यहाँ रोका दर्शन में बुला रहा हूँ, उनको बुलाए, उन्होंने क्यों रोका? आपसे कब से कह रहा हूँ कि आपको चाहिए, हम लोग बात करते हैं। जी जी, फिर आप नहीं माने मेरी बात। नहीं, आप बुला लीजिए, हम तो मान ही रहे हैं, अभी भी मान रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। नहीं, खड़े होने में ये तरीका है, हम बिल्कुल लोग डरने का ही तरीका है। नहीं, डरने का तरीका नहीं, हम बिल्कुल लोग बात नहीं सर, बात कर सकते हैं ना। हम तो तैयार है, बैठ लीजिए। मैं कब से कह रहा हूँ मैं बुलाऊंगा, मैंने बैठ नहीं, बात हो जाएगी, बुलाए हम तो बैठे। नहीं, ये तरीका नहीं मालूम सर, बंदी देखिए कुर्सी बैठे, हम लोग ऐसे बैठे, सब बैठे हैं, हमारे ग्रुप आप बैठते हैं, आप लोग बैठिए, मुझे दिक्कत नहीं, हमारे ग्रुप भाई मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, आप बात कर लीजिए। लेकिन ये तरीका तो नहीं, बात कर ले, हम तो साथ ही तरीके से बैठे हैं, कोई बात नहीं सर, हम थोड़ी कर ठीक है सर, कोई बात नहीं। हमको बहुत मतलब दुख है इस बात का कि हम तो आज धरने पर बैठना, मतलब इस पर ऐसे मतलब पलटी मार के बैठना पड़ा इस धारणा से। और बाकी आप इंस्पेक्टर साहब तो आपसे हमारे बारे में पूछ लीजिए, शायद हमारी आपकी पहली बार मुलाकात है। आप सारनाथ बहुत संतोष जी हैं, आपके हुए हैं सर, आप उनसे पूछ लीजिए मेरे बारे में, आप उनसे पूछ लीजिए हमारे बारे में, हमको बहुत कष्ट किया, आज मुझे बैठना पड़ा है सारनाथ।
जरा इसके बारे में बता दीजिए सर को। ये हमारा एक 2010 में एक नियम पास हुआ, ठीक है। वो नियम का हिसाब से कोई मैं जो स्मारक सुरक्षित है भारत का सरकार द्वारा, उसमें आप पूजा नहीं कर सकते। पूजा नहीं कर सकते, पूजा वैसे कर सकते हैं तो आपको 15 दिन का मतलब कुछ दिन पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है, तो DGSI देते हैं, DGSI देते हैं, उनको वो परमिशन देते हैं तो फिर होगा। जब हम भगवान बुद्ध का जो प्रथम उपदेश स्थली है जो हम लोग बौद्ध महातीर्थ मानते हैं, अपने आस्था के केंद्र मानते हैं, हम उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं? आप दर्शन करने तो नहीं, तो हम वहाँ पे बैठ कर ध्यान नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ बैठ के पूजा नहीं कर सकते हैं? आप ये कहना चाहते हैं क्यों नहीं करेंगे भाई? आप ऑनलाइन बात करिए, नहीं रिकॉर्डिंग तो करेंगे ना। आप ये बताइए, जो हमारा धर्म स्थल है, जो हमारा महातीर्थ है, हमारे श्रद्धा के केंद्र है, अगर हम वहाँ मतलब जा नहीं सकते हैं, वहाँ बैठ के ध्यान नहीं कर सकते हैं? नहीं, जाने के लिए कौन मना किया? ध्यान नहीं कर सकते हैं वहाँ पे? नहीं, समय से अगर जो टाइम ओपनिंग का टाइम है, हम ओपनिंग के टाइम से अगर आए तो नहीं, ओपनिंग टाइम से ही अगर जाएं तो हमें ध्यान करने दिया जाएगा नहीं करने दिया जाएगा? ध्यान तो वही परमिशन लेना पड़ेगा, और पूजा करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। ये है हम प्रॉब्लम नहीं तो अच्छा। वो मेरा निबंध में होता तो मैं दे देता, वो DGSI निबंध में होगा। अच्छा, मतलब हम बौद्धों को जो है अभी ये बातें मत करिएगा प्लीज। हाँ। अगर रूलिंग है तो उस रूलिंग को नहीं, बता दे। नहीं, हम यही कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, इसी बात कर रहे हैं कि हम जो संसार के बौद्ध लोग हैं उनको मतलब अपने धर्म स्थलों पर हम ध्यान और पूजा करने से वो बात देखिए पनीसी मैटर है, आप सरकार को वोट दिए, सरकार तो बता सकती है, तो हम मतलब हमें अधिकार नहीं है, मतलब ये धर्म अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकार का बात नहीं बता। आप तो यही कह रहे परमिट नहीं तो अधिकार नहीं है ना। सर मेरी बात समझिए, जो रूलिंग है रूलिंग बता दिया गया, अब ये बात समझ लीजिए सर आप, ठीक है। अब जो भी रूलिंग से जो बताया सर आपने कहने का मतलब 15 दिन पहले 15-20 दिन पहले आप दीजिए डीजी मैडम पर, मतलब जो लोग यहाँ पूजा करने आएंगे दर्शन करने आएंगे तो 15 दिन पहले सूचना दे करके आएंगे यहाँ पे, आपका कहने मतलब है ना? पूरा रिकॉर्ड करो यार, रिकॉर्ड तो उनको मतलब वो अनुमति लेकर के आएंगे तब यहाँ पूजा कर सकते, ध्यान कर सकते, पूजा करने के लिए, दर्शन करने नहीं, दर्शन आप जो ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग टाइम है उसमें कर, मतलब पूजा नहीं कर सकते, धर्म स्थल ही है सर ना। अविनाश मोहंती छुपी टर्निंग, अविनाश मोहंती नाम है। मंत्री जी क्या करना चाहिए हम लोग, पूजा पाठ करने का अधिकार है नहीं हम लोग? ठीक है, अब कानूनी तरीका क्या है? अब फिर लीगल तरीके से फिर कोई कॉपी भिजवाई कॉपी, इसका फोटो स्टेट करा के दे रहे हैं, पूरा ले लो, पूरा ले लीजिए आप, ये कॉपी तो है, जरा बता दीजिए। ये देखिए हाईलाइट किया गया है उसमें, आप मोदी जी जो हाईलाइट किए हैं जिसमें लिखे इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई स्मारक जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है अपने स्वरूप से असंगत किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। इसमें तो लिखे पूजा का स्थान पवित्र स्थान है, स्वरूप तो पूजा हुआ सर ना, उससे अलग कहाँ हुआ? ये तो लिखा ही है, कहाँ लिखा हुआ है? ये तो लिखा है, इसमें लिखा है जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है या कुछ भजन, अरविंद जी इसमें तो लिखा है जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है, ये तो पूजा का स्थान पवित्र स्थान तो है ही हमारा, तो इसमें कह रहे हैं अपने स्वरूप के असंगत किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, तो इसके इसका स्वरूप क्या है? इसके स्वरूप के असंगत, एक मिनट, आप स्वरूप के असंगत, असंगत क्या मतलब? जैसे फूल फूल माला ले जाना, मूर्ति ले जाना, इस विषय पे बैठ की पूजा नहीं करता होता है, असंगत होता है, एक संगत एक असंगत है, संगत मतलब पूजा स्थल के अनुरूप हम, एक गर्मी जी, संगत का मतलब यह है पूजा स्थल के अनुरूप हम ले जा सकते हैं, असंगत यानी पूजा स्थल के अनुरूप नहीं ले जा सकते हैं, नहीं परमिशन नहीं हो सकती नहीं, तो इसमें असंगत मतलब क्या है? हम कहाँ यहाँ पूजा पे असंगत, मतलब हम जो पूजा करने जा रहे हैं ना असंगत का? अभी कितनी चीजें हैं आपके यहाँ के लिए? एक तो आपने 16 नंबर रूल दे दी, ठीक है, आपसे बात कर लीजिएगा, ठीक है सर, हम इस पे बात कर ले सर, जो साहब जरा असंगत का मुझे मतलब समझा देना, ये मैंने आपसे ये भी बोला मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा,
इसलिए कभी मैंने इसको नहीं पढ़ा। मैंने आपके सामने बोला मैं पुलिस मैन होते नहीं, बस ठीक है आप उनसे एक्सप्लेन करवाना चाहिए ना। मैंने बोल दिया आपको, मेरा मेरे इस तरह से आप देखिए, मैंने बोल दिया, मैंने आपके सामने बुला दिया, मेरा पुलिस वाले कितना ही काम होता है। नहीं मेरे हिसाब से आप सोचिए, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप चलते हैं सच्चू साहब को लेटर देते हैं। हाँ और कल से हम और सर मैं नहीं और मैं आपकी तरफ से मैं बोलूंगा कल से हम बैठेंगे धरने के लिए सर। अभी सर सर नहीं बस समझ लीजिए, आप इनको दे दीजिए परमिशन हम दिलवा देते हैं सर। नहीं बस ना हर बार पैसे कर पाना पड़ेगा सर। देखिए मेरी रूलिंग नहीं है ना सर, देखिए मैं ऑलरेडी लिखा है मैं ऑन ग्राउंड मैं पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए बैठा हूं। वार्ता कर रहे हैं अधिकारियों, आप समझिए बहुत वार्ता हुई ऑन ग्राउंड में पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए बैठा हूं। ऊंचे लेवल पे वार्ता इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं है, मैं कोई पॉलिसी लेकर नहीं हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ काम है आपसे बात करूं क्या कि आपको पूजा करने नहीं दिया जा रहा था। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनेगी सर, इसको लेकर बात मैं आप मेरी बात समझा रहा हूं। ये कार्य हम आगे जो भी हमारे लोग हैं उनके लिए भी आप मार्ग प्रशस्त करिए, आप समझिए मेरी बात, आप उनके लिए भी मार्ग एक सही मार्ग प्रशस्त करना। नहीं आप देखिए कहकर जाने पूजा नहीं कर सकते, इनलाइटमेंट के प्रोसेस में सुनिए सर। आप हम लोगों से कहीं ज्यादा है, आप बहुत सारा हम लोगों को ज्ञान देते हैं, बस समझिए एक जो इनलाइटमेंट के जो प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं उस प्रोसेस के तहत बाकी लोगों के लिए भी मार्ग आप प्रशस्त कराइए। अभी जो चीजें हुई है ये रेंडमली हो गई, ये आप योजनाबद्ध तरीके से आप भाई अप्लीकेशन सारी चीजों के साथ में आप आ सकते हो और फिर पुलिस आपकी तरफ से रहेगी। नहीं मैं लिखा परीक्षा दे रहा हूं बस प्लीज, मेरा बस और इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है प्लीज डू द नीड प्लीज आप लीजिए जो भी नीडफुल है हम आपकी तरफ से करेंगे, जो सही होगा वही करेंगे जो लॉफुल है। मनोज जी ये तो देखिए जरा इसमें देखिए क्या है अगर इन्होंने बोला है कि 15 दिन वाला जो परमिशन वाला है उसको आप लोग नेट से दे सकते हैं। दूर होके करते हैं दूर से आ नहीं रहा है, दूर से आ नहीं रहा है, आवाज ही नहीं आई। एक डिस्टेंस क्या होता है, कोई बात नहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। एक डिस्टेंस क्या होती है थोड़ा इनको बताइए, कोई बात नहीं। अब बेटा आप शिष्य हैं, आपके नहीं उनके भी नहीं, नहीं आप हमारे लिए भी बच्चे हैं, ठीक है वो दूर से नहीं आ रहा है। अब आप वो चीजें आपके अंदर एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर एरोगेंसी भी नहीं आनी चाहिए। आप उधर समझाइए जरा अभिनव जी, जरा उस लाइन को मुझे स्पष्ट कर दे जो हरा वाला लाइन है, हम नहीं समझ पा रहे बहुत ज्यादा। तो आज आप हमको एप्लीकेशन दीजिए, हमारे ऑफिस से हम जो भी लॉफुल होगा ऐसा थोड़ी नहीं, हर व्यक्ति को अपना ठीक है। अभी पता चलना आने के बाद ये करने के बाद क्या करें, बहुत सारे काम है हमारे पास। हाँ जी थोड़ा सामान सुनिए ठीक है सर, अब तो मुझे रहना पड़ेगा जब तक नहीं, नहीं, आप, आप मेरे बहुत सारे काम आप छूट रहे हैं सर। नहीं हम क्योंकि हमने अनप्लान्ड वे में अपनी फोर्स को यहाँ डिप्लॉय कर दिया। नहीं हम बिल्कुल लोग पूरी तरीके से देश का लॉ एंड ऑर्डर टोटली मेंटेन करा रहे हैं, हमारा जो पंचशील का सिद्धांत लाने